नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 12 Play वर्सेस Infinix Hot 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 12 Play में 6.73 इंच जबकि Hot 11S में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 12 Play से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 12 Play में 3.07 इंच जबकि Hot 11S में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 12 Play से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 12 Play में 209 ग्राम्स जबकि Hot 11S में 205 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 12 Play में 6.82 इंचेस जबकि Hot 11S में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 12 Play में 720x1640 और Hot 11S में 1080x2480 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 12 Play में 82.94% जबकि Hot 11S में 84.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 12 Play में 263 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 11S में 399 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 12 Play में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और Hot 11S की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 12 Play में Mali G52 जबकि Hot 11S में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 12 Play में UNISOC T610 और Hot 11S में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 12 Play में 4GB की RAM मिलती है जबकि Hot 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 12 Play में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Hot 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Hot 12 Play में 6000 mAh जबकि Hot 11S में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 12 Play में 4 कलर्स जबकि Hot 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 12 Play में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,499 में मिल जाता है। वही अगर बात करें Hot 11S की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹10,499, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹11,499 में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले में 5 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें इन्फिनिक्स हॉट 11S की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में हॉट 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में हॉट 12 प्ले आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G40 फ्यूजन है, दूसरा रियलमी 8i है, तीसरा ओप्पो A16 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स नोट 11 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।